जी ने अपना किरदार निभाया है, और मैं मानता हूं कि ऐसे सफल किरदार निभाने वाले शेखर सुमन जी राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए जो भूमिका निभानी है वो पूरी तरह से वो बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और हम उनका भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। और वैसे ही राधिका खेड़ा जी पिछले कुछ दिनों से अपनी मन की जो आक्रोश है, क्या बातें कांग्रेस कहती है और क्या करती है, इसकी वो खुद जानकारी उन्होंने दी भी है। एक प्रखर प्रवक्ता के नाते उन्होंने काम भी किया है कांग्रेस में, और उतने ही खुलकर अपनी बातें वो बताई है, तो उनका भी आज भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूँ। और इन दोनों की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में बहुत अच्छी तरह उसका लाभ पार्टी भी उठाई और वो भी योगदान देंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद विनोद तावड़े जी। मेरा राधिका खेड़ा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच मंच पे उपस्थित विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, शेखर सुमन जी और यहाँ आए सभी मीडिया के साथी, सबको मेरा जय श्री राम। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलल्ला के दर्शन करने के लिए, कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं रामलल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है, और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ, और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मुझे मेरे खिलाफ रचा गया, और माता कौशल्या के धरती पे राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का, और नेशन बिल्डिंग में, और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका खेड़ा जी। मेरा आग्रह है शेखर सुमन जी से कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार मीडिया के तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उनको दिल से मेरा नमस्कार। और कल तक मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ जाने अनजाने होता है, और कभी कभी आप अनभिज्ञ रहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, और ऊपर से एक आमद होती है और फिर आप उस आदेश का पालन करते हैं। मैं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आया हूँ, और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा
कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आदेश दिया और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, संजय मयूर, जेपी नड्डा जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अनुराग ठाकुर जी का, राधिका जी का जो अभी अभी मेरी दोस्त बनी है, और ये कि हो ही सोई जो राम रची राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। और जब आप एक अच्छी मंशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। और मैं समझता हूं कि इंसान जो है वो लफ्जों पे बहुत निर्भर करता है, और लफ्जों का एक वक्त के बाद कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि करने में बोलने में फर्क होता है बहुत। तो अगर मैं चाहूं तो दिन भर यहां बैठ के एक लंबा सा भाषण दे सकता हूं, और बहुतों से अच्छा भी दे सकता हूं, और बहुत देर तक दे सकता हूं, जिसका कोई मायने नहीं है। मायने तब होगा जब मैं कुछ करके दिखाऊं। और आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ज़्यादा न बोलते हुए उस वक्त की प्रतीक्षा में जब मैं कुछ कर पाऊंगा और करके दिखाऊंगा, तब शायद कुछ बोलने के लिए रहेगा। इस वक्त ये कि मैं खुश हूं कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और एक ऐसे वक्त में मैं यहाँ आया हूँ ताकि लोग इससे पहले ये न पूछें कि आपके पास कुछ करने को नहीं था इसलिए आप यहाँ आए हैं, इसलिए मैं हीरा मंडी के हिट होने का इंतज़ार कर रहा था। और आज जबकि वो ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, और मेरे पास वाकई वक्त नहीं था बम्बई से निकलने का, काम बहुत बढ़ गया है, तो मैंने कहा कि इस खुशी में इजाफा किया जाए। और अपने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये भी काम किया जाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये फैसला मैंने लिया है और दिल से लिया है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया है। और हीरा मंडी में जो नवाब बना हूँ, वो नवाबियत सिर्फ हीरा मंडी तक ही सीमित है। यहाँ मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ, आपके जैसा, कमजोरियों से भरा, लेकिन हर क्षण अपने को सुधारने की कोशिश करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों को एक छोटा सा सूचना देनी है कि कुछ ही आप जो हमारे पार्टी में शेखर जी आए हैं और राधिका जी हैं, इनसे बातचीत आप लोग कर सकते हैं बाद में अलग जाके। उसके तुरंत बाद सुधांशु त्रिवेदी जी एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को संबोधित करेंगे, तो आप कृपया यहाँ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चलेंगे, अच्छा एक फ्रेम में उनको छापने के लिए अच्छा होता है ना।